मेरा सवाल सुशांतो जी है, आप भी बिजली की कटौती से परेशान होंगे मुझे ऐसा लगता है, अगर पूरा झारखंड परेशान है इस वक्त तो। नहीं नहीं, इस तरह के बीच में तो हम लोग नहीं परेशान है, हम लोग ठीक है, ऐसे थोड़ा बहुत तो होते रहता है, इसलिए तो थोड़ा ये चलता है थोड़ा इसलिए। लेकिन जो बिजली कटौती के लिए आज भी मुख्यमंत्री जी के बयान आए हैं कि जो भी पैसा कौड़ी की जो बात है वो पूरा फुल पेमेंट है, बिजली की दिक्कतें नहीं आएगी। लेकिन दिक्कत किनको आ रही है, दिक्कत कौन बनाने की खोज रही है? जिनके पास 12 लोकसभा है, एमपी है, 12 एमपी, चार करीब राज्यसभा, लेकिन वो केंद्र को कुछ नहीं कहते हैं। डीवीसी जो हमारे ऊपर जो आरोप लगाए हुए, डीवीसी से जो बॉयकॉट किए गए झारखंड को, जहां जहां केंद्र की सत्ता है वहां पर डीवीसी है, जहां केंद्र मतलब केंद्र के विपक्ष की अगर सत्ता है अगर राज्य में तो वहां डीवीसी उसे परेशान कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि नहीं होगी, क्योंकि डीवीसी हमारे जमीन पर बनी हुई है। डीवीसी भी ये सोच ले, ये केंद्र सरकार भी ये सोच ले कि डीवीसी हमारे जमीन पर बनी हुई है और डीवीसी को कंट्रोल भी राज्य सरकार के अंडर होना है, क्योंकि हर पानी बिजली हमारे यहाँ से लेते हैं। अगर हमारे साथ इस तरह से इस कार्यकाल इस समय में अगर बिजली की कटौती करेंगे, पेमेंट के नाम लेंगे, हमें लगता है उग्र होंगे, जो पेमेंट कर देने के बाद भी आरबीआई से कटिंग करते कट करते ये क्या कर रहे हैं। हमें लगता है कि कम से कम बिजली के नाम पर वीआईपी है हमारे सब लोकसभा 12 एमपी है हमारे झारखंड के, एक भी बात अगर संसद में उठाए हैं तो झारखंड से रिलेटेड 3.25 करोड़ जनता की जो तकलीफ है बिजली पानी इसके बात उठाते नहीं है, क्योंकि उनकी सरकार है नहीं, वोट तो वो विदेश से लेते हैं। नहीं नहीं, ये आप बताइए सुशांतो जी, क्या झारखंड की जनता परेशान नहीं? मान सकते हैं कि आप परेशान नहीं है, आपके पास सुख सुविधाएं होंगी, लेकिन आम जनता के पास नहीं है ना सुशांतो जी? देखिए परेशान है, हाँ, पिछली सरकार में भी परेशान थे, लेकिन यहाँ पर परेशानी को अलग मोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। हमें तो अब ये लग रहा है कि नहीं, तो ये जिम्मेदारी किसकी है कि प्रदेश में जो वादा किया गया था सरकार बनने से पहले कि भैया 20 घंटे गांवों शहरों में हम बिजली देंगे, उसका क्या हुआ फिर? जी 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 जी, जी वादा जब किया गया था तब डीवीसी के जो बात थी ना, जहां से हमें बिजली मिलती है, बाकी तो सब हवा हुआ। कोई आपको देखिए गोड्डा में बिजली कोई बना, वो बांग्लादेश जा रहा है, वो तो झारखंड का है नहीं, जाती गोड्डा तो बांग्लादेश है, हर जगह जहां जहां बिजली उत्पादन करते हैं। और कौन, अडानी कंपनी जो खास बीजेपी सरकार की है, उनकी प्रोडक्ट है गोड्डा में, वो कहां भेज रहे हैं आपको? बांग्लादेश। हमारे राज्य की जमीन, हमारे पानी, हमारे सब, हमारे कोयला, नहीं हमारे तो उपर, ये तो सरकार को पता होगा ना सुशांतो जी, गर्मी आ रही है, कटौती हर साल होती है, उसके लिए क्या तैयारी की सरकार ने? अब हाथ खड़े कर लिए सरकार केंद्र पर, आप पल्ला सरकार पल्ला झाड़ रही है, कहाँ हाथ खड़े कर दी? बिजली नहीं मिल रही है, आज सुबह से हम बैठे हुए, हमें लगता है कि आधा घंटा से ज्यादा नहीं बिजली कटी। लेकिन ये न्यूज बनाने के लिए इस तरह से माहौल बनाए जाते हैं, रोड में निकल जा रहे चारों तरफ। फिर मैं वही कह रहा हूँ सुशांतो जी कि आपको हो सकता है आपके पास सुविधाएं ज्यादा हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन बिजली कटौती से जनता परेशान है।